गोरखपुर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को बेतिया हाता स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने की। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने, बाद मरम्मत को लेकर जिला प्रशासन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने, मतदाता अभियान को तेज करते हुए छूटे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और नगर की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व विधायक शारदा देवी, प्रदेश सचिव अवधेश यादव, जिला उपाध्यक्ष मिर्जा कादिर बेग, जिला उपाध्यक्ष अशोक यादव, जिला उपाध्यक्ष श्याम देव निषाद, संजय पहलवान सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सरकार को एक बार फेंकना है, संगठन हमारा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, जिस तरह सूर्य शानदार तरीके से यह संगठन काम कर रहा है, आज भी संगठन जिला कार्यालय में जमा कर दें और जो भी कार्यक्रम विधानसभा में चल रहे हैं उसमें प्रभागियाँ गठित हो रही हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी के विधानसभा अध्यक्ष लगभग 5 बनाए जा चुके हैं। इस मासिक बैठक में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो जनपद में बूथ बढ़ाए गए हैं उन बूथों के गठन के संबंध में और उनके बढ़ने से जो बूथ पहले से रहे हैं उनका नंबर चेंज होगा। 4 सितंबर से हर बूथ पर मतदाता बढ़ाए जाएंगे फार्म सब भरकर, तो हम सभी साथी फार्म 6 इकट्ठा करके और जिनको विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर लेंगे। साथी हम यहाँ कल शाम तक मंगवा लेंगे, सब रहा है हमारा ऑर्डर चला गया है, फार्म 6, 7, 8 तो उनको हम अपने स्तर से भी लेंगे और विधानसभाओं में जो साथी चुनाव लड़े हैं विधानसभा का वो लोग कहा गया है कि 5,000 फार्म 6, 7, 8 जो छपवा करके विधानसभा अध्यक्ष को दे देंगे। अगर वो तो नहीं छपवाए होंगे तो ये भी हमसे बता दीजिएगा तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दिया जाएगा। और दूसरा जो बाढ़ संभावित है उस बाढ़ के लिए चौरी चौरा चिल्लू पार्क को विधानसभा हमारी काफी गंभीर विधानसभा है बाढ़ के दृष्टि से और खजली बांसगांव और साजनमा ये नदी के किनारे है लेकिन उतनी गंभीर नहीं है कि जितना गंभीरता चौरी चौरा और चिल्लू पार्टी है। कैंपियरगंज भी पिछले बार बाढ़ आई थी लेकिन एक ब्लॉक कोरिया में वो बाढ़ रह गई थी, वो नदी के एक साइड से रोहिंग जब उठनाई तो रोहिंग का पानी जो बहा वो टिकटिया जंगल से होते हुए मानीराम का इलाका लेकर के महाराजगंज तक वो अपना कार ढाया। वैसे में इन चीजों पर विस्तृत बहस करके विस्तार से चर्चा करके इसके उपाय के लिए हम लोग सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को भेजने का काम करेंगे और मेन जो आपका लक्ष्य है कि अगला चुनाव जीतना है बूथों के बल पर तो सारी ताकत बूथों पर वोट बढ़ाने के लिए सब कुछ क्या करना है उसके लिए जो जरूरत होगी जहाँ जरूरत होगी आपको अगर कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता है अपने विधानसभा में प्रत्याशी से भी नहीं मिलता है फार्म जमा नहीं हो पाता है आपका बीएलओ नहीं करता है सीएम नहीं करता है तो आप उसके लिए भी हमको काल करिए। हम वहां चल करके आपके बीच आकर के अगर आप यहाँ आने में भी असमर्थ हैं और समाजवादी लोग आप पढ़ा रहे हैं तो हम आपके यहाँ अपने लोगों को भेज कर चाहे खुद आकर के वो फॉर्म लेकर के और जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराने का काम करेंगे। जय हिंद।